हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं हमारे पास, ए बी सी डी ई, ठीक है। और इनके साथ इनको जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ टेस्ट किया था, तो इनकी पीएच वैल्यू कुछ इस तरीके से आई। जैसे सॉल्यूशन ए जो है वो 4 पीएच दिखाता है, सॉल्यूशन बी जो है 1 दिखाता है, सॉल्यूशन सी 11 दिखाता है, सॉल्यूशन डी 7 दिखाता है, और सॉल्यूशन ई जो है वो 9 दिखाता है। हमको मालूम होना चाहिए कि एसिड की जो पीएच रेंज होती है, ठीक है, वो 0 से 7 के बीच में होती है, और बेस की जो पीएच रेंज होती है वो 7 टू 14 होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि यहाँ न्यूट्रल क्या है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक क्या है, ठीक है। तो देखिए, जितना वो 0 के पास जाएगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक माना जाएगा, जितना वो 14 के करीब जाएगा उतना ही वो खतरनाक अल्कलाइन माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन यानी बेसिक माना जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें न्यूट्रल है क्या। तो न्यूट्रल देखिए, 7 जो होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन डी है, सॉल्यूशन डी वो न्यूट्रल हो जाएगा। स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मैंने कहा 14 के पास जिसके करीब वैल्यू होगी, तो देखिए 11 जो है 14 के ज्यादा करीब है, ठीक है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन माना जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन सी जो है वो स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन है, और मैंने ये कहा था एसिडिक उतना 0 के जितना करीब है उतना ही वो एसिडिक माना जाएगा, तो 1 जो है वो 0 के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो हमारा जो बी सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक माना जाएगा, वीकली एसिडिक। तो वीकली एसिडिक देखिए ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि 0 से दूर है ये, तो हमारा सॉल्यूशन ए वीकली एसिडिक हो जाएगा। और ये जो 9 है यह सॉल्यूशन ई, ये हमारा वीकली अल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि 14 से ये दूर चला गया है, ठीक है। अब हमें अरेंज करना है पीएच को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। हमें पता है कि पीएच की वैल्यू इंक्रीज करती है तो हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे कम से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन सबसे कम किस में होगा, जो जितना ज्यादा अल्कलाइन होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा 11 है, तो देखिए पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ पीएच को, सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम हाइड्रोजन आयन, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे कम हाइड्रोजन आयन से फिर आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो 11, उसके बाद हमारा 9 आएगा, फिर हमारा 9 के बाद है 7, फिर 4, फिर 1, ठीक है। तो अरेंज करना है इन सॉल्यूशन को, तो हमारा 11 किसका है, सी है, और सी छोटा है, सॉरी ये तो लेस देन का निशान आएगा, ठीक है। सी के बाद 9 किसका था, 9 जो है ई के लिए है, 7 जो है डी के लिए है, और 4 ए के लिए है, 1 जो है बी के लिए है, यानी सबसे खतरनाक हमारा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक, और जितना कम हाइड्रोजन आयन है इसका मतलब उतना ज्यादा वो बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, ये बहुत ज्यादा बेसिक सी बात थी, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 किया, मिलते हैं अगले सवाल को लेकर अगली वीडियो में, एंड कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर।